अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट अपडेट के बारे में। जानने की कोशिश ये करेंगे कि भाई बिटकॉइन अपना नेक्स्ट पॉजिटिव मूव कहां पर ले सकता है। जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन मेन चीज ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अल्टकॉइन सीजन कब स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज हम सभी लोग वेट कर रहे हैं उस चीज का कि भाई अल्टकॉइन हमारे पंप करे तो कब पंप करना स्टार्ट करेंगे। कुछ फंडामेंटल डेटा है, ऑन चेन डेटा है, जो कि मुझे आप सभी को बताना है, क्योंकि उसके बेस पर आपको ये लॉजिक लगाने में आसानी होगी कि भाई अभी बुल रन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बुल रन स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाला है वीडियो के दौरान। इतना बोलूंगा, वीडियो को आपने देखना है एंड तक। वीडियो लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए। प्लस इस वीडियो के अंदर आपको अल्टकॉइन को लेकर काफी स्पेशल चीज बताऊंगा कि भाई सभी का पैसा अल्टकॉइन में ही लगा है, बिटकॉइन कौन होल्ड करेगा? मोस्ट ऑफ द पीपल का पैसा अल्टकॉइन में ही लगा हुआ है, तो सभी को चिंता यही है अल्टकॉइन मूव कब करेगा और करेगा तो कैसा मूव करेगा। तो बहुत कुछ है, बस आपको सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए और बस वीडियो को एंड तक देखिए। वेल, सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और बिटकॉइन के बारे में बात करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि बिटकॉइन इस तक की बिटकॉइन का मूव बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अगर आप करंटली देखेंगे जिसके एक घंटे का चार्ट या चार घंटे का चार्ट, तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न हुआ था, जहां पर मार्केट ने 64,000 को टेस्ट करने के बाद तकरीबन 66 तक थोड़ा सा अपसाइड में मूव किया था। अभी क्या चीजें हो रही है ग्लोबली वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकली अगर बात करूं, अगर मैं सब चीजों को छोड़ दूं, अगर बिटकॉइन का वीकली चार्ट लगाऊं तो फिलहाल वीक के अंदर भी कोई पॉजिटिव चीजें नहीं है। मतलब अगर हम चार्ट एनालिसिस करें तो कोई भी ऐसा साइन नहीं देखने को मिल रहा है जिसके बेस पर हम ये प्रेडिक्ट करें कि यस मार्केट फाइनली यहां से अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो चुका है। क्योंकि देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, ना ही मंथ में यहां पे मार्केट रिवर्सल दिख रहा है, ना ही वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट रिवर्सल दिख रहा है, और ना तो ही फिलहाल वक्त के अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी ऐसा टेक्निकल फॉर्मेशन हुआ है कि जिस बेस पर हम ये बोले कि यस मार्केट यहां से रिवर्सल हो सकता है। लेकिन ऑन चेन डेटा के बेस पर बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है। सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद अल्टकॉइन वाले चीज के ऊपर आएंगे। अगर आप बिटकॉइन का यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर बाइनेंस का डेटा शेयर किया गया है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि 70% ऑफ ऑल अकाउंट्स इन बाइनेंस विद एन ओपन बिटकॉइन पोजिशन आर गोइंग लॉन्ग। मतलब यहाँ पर जितने भी यूजर्स है, जो 70% यूजर्स है, वो बिटकॉइन को लॉन्ग करके बैठे हैं। ठीक है, बिटकॉइन को सभी ने लॉन्ग किया है 70%, काफी बड़ा नंबर होता है, 30% 20% 25% 30% नहीं है, 70% लोगों ने यहाँ पर बिटकॉइन को यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग करके बैठे हुए। तो ये काफी बड़ा नंबर है, जिसके बेस पर ये थोड़ा बहुत आइडिया हम ले सकते हैं कि देखिए मार्केट अभी भी बुलिश है और कहीं ना कहीं ये एक साइन होता है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड, जो पॉजिटिव मूव है बिटकॉइन को लेकर, वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकता है। अब वो एक अलग चीज है कि फ्यूचर ट्रेडिंग का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है मार्केट के प्राइस के ऊपर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये जो लॉन्ग हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिक्विडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली अभी तक कोई टेक्निकल साइन नहीं मिल रहा है जिस बेस पर हम ये बोले कि मार्केट एकदम से बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ डेटा देखें, हिस्ट्री के बेस पर समझने की कोशिश करें, तो ये चार्ट देखने के बाद आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि बिटकॉइन नेक्स्ट क्या कर सकता है। टेक्निकली कंफ्यूजन फेस है, लेकिन ऑन चेन डेटा के बेस पर, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पर देखेंगे तो क्लियर यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2020 के अंदर जो 2020 का हालविंग था, ओके, 2020 के हालविंग के बाद बेसिकली 150 दिन तक मार्केट एक बोरिंग साइडवे रेंज में घूम रहा था, जो कि 9,000 से लेकर 11,000 का रेंज था। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी का कौन सा रेंज है, अभी का रेंज आपको मैं बताता हूँ। अभी का जो बिटकॉइन का रेंज है वो सिंपली है 71,000 से लेकर बिटकॉइन तकरीबन 59-60 के आसपास घूम रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर 2020 के अंदर 9 से लेकर 11,000 डॉलर के रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा था, ओके। और अभी के अगर हम बात करें, ठीक है, कि भाई कितना दिन हो चुका है मार्केट को साइड में चलते हुए, तो ऑलमोस्ट अभी अपने पास 92 डेज हुए हैं। मतलब 2020 के अंदर तकरीबन 150 दिन का मार्केट ने साइड में ट्रेंड फॉलो किया था हालविंग के बाद, और अभी हमको सिर्फ 92 डेज हुआ है। मतलब अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई 150 दिन यहाँ पर, मतलब उसके बाद मार्केट पंप करेगा, तो यहाँ पर वो डेटा अगस्त मंथ का निकल के हुए आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं
लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बिटकॉइन स्टिल पॉजिटिव है, बिटकॉइन का अप ट्रेंड होना स्टिल पॉसिबल है, बिटकॉइन का बुल रैली को फॉलो करना स्टिल पॉसिबल है। और सबसे मजेदार चीज अभी यहाँ पर यह देखने को मिल रही है कि जो मीम कॉइन का डोमिनेंस है वो एक तरीके से डिक्लाइन कर रहा है। अभी हो क्या रहा था पता है आपको, सभी के सभी लोग मीम कॉइन को ही परचेज किए जा रहे थे। आप चाहे न्यू यूजर्स बोलो, आप चाहे पुराने इन्वेस्टर ट्रेडर बोलो, क्योंकि हमने रिसेंटली सोलाना के अंदर काफी ह्यूज मीम कॉइन का ट्रेंड देखा है और काफी मेजर तरीके से वो सक्सेस भी हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने पैसा कमाया भी है। हाँ, बाकी जिसको नॉलेज नहीं जिन्होंने पैसा वहां पर लॉस भी किया, मतलब किसने कमाया किसने गवाया भी है, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेन चीज यहाँ पर ये है कि जो मीम का डोमिनेंस है वो एक तरीके से रिजेक्ट कर रहा है। मतलब अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो बेसिकली क्रिप्टो यूजर्स है वो अभी मीम कॉइन्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, वहां से वो पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि हर किसी का एक ट्रेंड होता है और मीम कॉइन का ट्रेंड अब खत्म होने जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि अब लोग शिफ्ट होंगे उन अल्टकॉइन्स के अंदर जो कि फंडामेंटली पॉजिटिव है, जो कि फंडामेंटली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मीम कॉइन का पैसा है वो अब आपको अल्टकॉइन्स के अंदर जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अल्टकॉइन्स होंगे उसके अंदर आपको इजीली देखने को मिल सकता है। और एक काफी अच्छा चार्ट है और मैं समझूंगा कि इस चार्ट के बेस पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि यस हम अल्टकॉइन सीजन के अंदर एंट्री हो सकते हैं बहुत जल्द। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये MVRV बेस्ड अल्टकॉइन सीजन इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपको ये जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा है ये बेसिकली अल्टकॉइन सीजन है, और यहाँ पर जो लाइट बेसिकली है ये बिटकॉइन सीजन का है, और जो ब्लैक है ब्लैक तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है सिवाय यहाँ पे, तो ये बेसिकली न्यूट्रल का है। देखिए प्रीवियस बुल रन के अंदर आप यहाँ पर गौर करो, ओके, आप अगर 2020 का देखेंगे तो पहला यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं जब यहाँ पर बिटकॉइन का बॉटम क्रिएट हुआ था, राइट है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो इस जोन के अंदर जहां पर आपका 2019 का था जहां पर बिटकॉइन ने बॉटम क्रिएट किया था, तो वहां पर बिटकॉइन भी मूव किया था, राइट है। जैसे कि इस रैली के अंदर बिटकॉइन सीजन यहां पर था, यहां पर उसके साथ अल्टकॉइन भी मूव किए थे, राइट है। सेम वैसा ही 2020 के अंदर हमको देखने को मिला, यहां पर 2021 के अंदर भी हमको देखने को मिला है, राइट है। 2022 के अंदर भी देखने को मिला, और यहां पर जो बॉटम हमारा यहां पर बना हुआ था 2023 के आसपास का वो चीज भी हमको यहां पर देखने को मिली है। और रिसेंट डेज के अंदर 2024 जैन के अंदर जो मिनी अल्टकॉइन सीजन था यहाँ पर भी देखने को मिला, सेम वही 2023 की जून जुलाई के अंदर मिनी अल्टकॉइन सीजन देखने को मिला। लेकिन ये तो चलो माइनर माइनर से थे, यहाँ पर देखो कितना ज्यादा कंटिन्यू वे में 2024 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो इंडिकेटर है MVRV इसके हिसाब से यहाँ पर हम बहुत जल्द अल्टकॉइन सीजन के अंदर एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज बिटकॉइन का यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा रैली हुआ है। तो अभी बिटकॉइन सीजन नहीं दिखा रहा है, मुझे लगता है यही वजह से शायद बिटकॉइन का प्राइस भी साइडवे चलता है, राइट। तो यहाँ पर अल्टकॉइन सीजन हमको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिन के अंदर। और मैं आपको बता दूं इथेरियम का स्पॉट ETF अभी आ चुका है, 2 जुलाई से एक्सपेक्टेशन है कि वो बेसिकली लाइव हो जाएगा। और रिसेंटली SEC ने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको उसने परमानेंटली क्लोज कर दिया है। अब उसका वो कहना है कि वो अब इथेरियम के ऊपर जो सिक्योरिटी लेकर बात चल रही थी अब वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। देखिए ये सब चीज़ जो हो रही है ना ये बहुत बार कंसेप्ट्स के साथ हो रही है। आप सभी को पता है US के अंदर इलेक्शन है नवंबर मंथ के अंदर, और ऑलरेडी क्रिप्टो के बेस पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको छोटे में ना लो, आप इसको हल्के में ना लो। जो लोग ये मुझसे बार बार सवाल पूछते हैं ना सर ये क्रिप्टो मतलब लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, कहीं ये क्रिप्टो परमानेंटली बंद तो नहीं हो जाएगा, मैं आपको बता दूं फिलहाल गवर्नमेंट के पास कंट्री को सेफ करने के लिए स्पेशल उनकी जो करेंसी है उसको सेफ करने के लिए कंट्री का जो टैप्ट है उसको सेफ करने के लिए बिटकॉइन के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर आप इसकी बात करेंगे ट्रम्प की बात करेंगे तो ट्रम्प का यहाँ पर यह कहना है कि जितने भी रिमेनिंग बिटकॉइंस है, राइट, मतलब जितने माइन हो चुके हैं जितने अभी माइन होना बाकी है, ट्रम्प का ये कहना है कि वो मेड इन USA होना चाहिए। मेड इन USA का मतलब क्या है कि भाई वो USA के अंदर माइन होना चाहिए, मतलब वो बिटकॉइन के माइनिंग सेटअप्स की बात कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि US के अंदर हम बिटकॉइन को माइन करें जितने भी रिमेनिंग बिटकॉइन, तो ऑब्वियसली बात है बड़े बड़े सेटअप्स लगेंगे उसके लिए। और जब कोई एक कंट्री जो कि US है जो कि बहुत बड़ी कंट्री है का हर चीज के लिहाज से, वो कंट्री जब ये कह रही है कि भाई बिटकॉइन जितने रिमेनिंग वो हमको माइन करना है और बिटकॉइन के लिए हम एक फ्रेंडली रूल बनाएंगे, बिटकॉइन को प्रमोट करेंगे, बिकॉज बिटकॉइन को एक सहारा लग रहा है कि जिसके बेस पर
जो कंट्री का डेब्ट है वो क्लियर हो सकता है। एक तरीके से ट्रंप ने ये बात यहाँ पर छेड़ दी है और जो बाइडन पीछे नहीं रह रहे, कहीं ना कहीं एसईसी को उन्होंने फोर्स किया कि भाई अभी इथेरियम का ETF को आने दे और ये सब जो चीजें हैं उसको साइड में कर दे, अभी जो तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इथेरियम को सिक्योरिटी बताने के लिए वो अभी खत्म कर दी। इसलिए तो एसईसी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम फाइनली इथेरियम का जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको क्लोज कर रहे हैं परमानेंटली। ये काफी बड़ा कंसेप्ट है जो कि अगर आप जितना जल्दी समझोगे, जितने अच्छे से समझोगे, उतने ही जल्दी आप मार्केट के नेक्स्ट अप ट्रेंड मूव को समझ सकते हो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए अगस्त टेक्निकल के बेस पर मैं हमको देखने को मिल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर वहां से चार मंथ होते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यूएस के इलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस के इलेक्शन के बाद ये डिसाइड होगा कि भाई अमेरिका ने किसको चूज किया, अगर वो बाइडन को चूज करते हैं या ट्रंप को चूज करते हैं। बहुत से क्रिप्टो कम्युनिटी है यूएस के अंदर, और देखिए ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं कि ट्रंप अचानक उठ गया और बोला भाई बिटकॉइन फलाना ये चीज वो चीज। उनका कैलकुलेशन होता है कि भाई अमेरिका के अंदर यूएस के अंदर कितने ऐसी कम्युनिटी है जो बिटकॉइन या क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है ताकि उनके वोट वो बटोर सके, राइट है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और कहीं ना कहीं अगर ट्रंप आ जाता है या उसकी सरकार आ जाती है तो ऑल ओवर क्रिप्टो के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। जो कंपनीज, जो इंस्टीट्यूशंस, जो फंड मैनेजर, जो हेज फंड मैनेजर अभी तक पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे ये सोचते हुए कि भाई अभी तक प्रॉपर लीगलाइजेशन नहीं हुआ है, तो शायद उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा क्रिप्टो में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी सी बात है, सबसे जो बातचीत हो रही है वो स्पॉट को लेकर हो रही है, ETFs लॉन्च हो रहे हैं, स्पॉट वाले को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, फ्यूचर वाले को नहीं। क्योंकि स्पॉट ETF को परचेज करना एक 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 तरफ से ये है कि भाई आप डायरेक्टली बिटकॉइन को परचेज कर रहे हो उसके सप्लाई में से, अगर वो फ्यूचर को परचेज करेंगे तो वो एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट वहां पर फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, स्पॉट की बात हो रही है। तो ये सब जो इंडिकेटर्स हैं इसके बेस पर यही चीज हमको समझ में आ रही है कि भाई मार्केट स्टिल बुलिश है, अल्टकॉइन सीजन में बहुत जल्द हम एंट्री ले सकते हैं, इथेरियम की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, इथेरियम का स्पॉट ETF राइट 2 जुलाई को एक्सपेक्टेशन है कि लाइव हो जाए, राइट है। और धीरे धीरे फिर हर एक कंट्री, अब मेरे को एक चीज ये बताओ, लेट्स एग्जांपल कि भाई ट्रंप आ गया, ट्रंप ने बड़े बड़े सेटअप्स लगा दिए हैं बिटकॉइन के, तो रशिया चाइना के ये जो गवर्नमेंट है इनके, ये जो लोग है ये खामोश बैठेंगे, और बेसिक बात वो भी एक जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे, और वो भी यही सोचेंगे कि भाई जब यूएस इतनी बड़ी कंट्री होकर वो सोच रहा है कि भाई मेरे को बिटकॉइन को माइन करना है, अपने पास जितने भी रिमेनिंग बिटकॉइन है वो पूरे यूएस के अंदर ही माइन होंगे, तो वो लोग भी इस जंग के अंदर छिड़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन के जो माइनिंग सेटअप है वो रशिया के अंदर भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट है, वो चाइना के अंदर भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बड़ा ग्लोबल लड़ाई आप समझो बिटकॉइन को लेकर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अरे ये बात समझ में, तो कंसेप्ट को समझो तो उतने ही अच्छे तरीके से आपको बुल रन समझ में यहाँ पर आने वाला है। सेकंड, ये बेसिकली USDT डोमिनेंस, और USDT डोमिनेंस बेसिकली थोड़ा कम तो हुआ था लेकिन अभी कोई जान देखने को मिल नहीं रही है, एग्जैक्टली यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस शो हुआ है। वही चीज अगर मार्केट क्रैश करता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर भी हमको पॉजिटिव चीज देखने को मिल जाएंगे। मेन चीज आपको ये चार्ट बता रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, ये टोटल मार्केट कैप का चार्ट है जो कि बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन के रेंज में फॉलो कर रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा क्रैश करे और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव करे, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रॉपर देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी टोटल 2 के अंदर क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूड बिटकॉइन, जिसके अंदर बिटकॉइन छोड़कर इथेरियम और अदर अल्टकॉइंस है, तो देखिए उसने ऑलरेडी ये पैटर्न फॉर्मेशन कर दिया है, यहाँ पर ये मार्केट बेसिकली आ भी चुका है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे, तो आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो ट्रेंड है ना उसको मार्केट ने टेस्ट भी कर चुका है, और अगर ये बाउंस करता है, लेट्स एग्जांपल ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हो, मैं आपको डेली चार्ट बताता हूँ, अगर ये यहाँ से बाउंस करता है अपसाइड के अंदर, राइट, थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड बाउंस करता है तो अल्टकॉइंस के अंदर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जो क्रैश के अंदर अल्टकॉइन जिसने परचेज किया उनके लिए यहाँ पर एक मिनी पंप मिलेगा और उसके अंदर उनका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखता हूँ हमेशा चार्ट को, और मुझे उम्मीद है 1.24 का जो ट्रिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यूएशन है वो इजीली ब्रेक डाउन कर लेगा और उसके बाद 1.69, तो मतलब अगर ये रैली स्टार्ट होती लेट्स एग्जांपल और कुछ मे भी कुछ दिन के अंदर, तो ये एक अच्छे खासे अरसे तक चलेगा, क्योंकि उसका अगला रेजिस्टेंट 1.69 है, ये भी एक रेजिस्टेंट है लेकिन पिछला जो ऑल टाइम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं अल्टकॉइन के अंदर हमको यूज मूव देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली टोटल 3 है जिसके अंदर बिटकॉइन का इंडेक्स भी नहीं है,
इथेरियम का इंडेक्स भी नहीं है, ये प्योरली अदर अल्टकॉइंस का इंडेक्स है, राइट है। तो यहाँ पर ये भी देखिए एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है, राइट है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे इस पे, तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड को मूव करे और 821 बिलियन से लेकर जब इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो 1.11 ट्रिलियन तक मार्केट इजीली जा सकता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, क्या एक बार ये रेंज ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो जाए तो कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे के लिए, लंबा अरसा मतलब ये नहीं है कि 2-4 साल के लिए, लेकिन एक अच्छे लंबे टाइम तक के लिए हमको अल्टकॉइन के अंदर पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको स्पेशली बताना था, और मुझे लगता है कि हमको आने वाले टाइम के अंदर काफी ह्यूज पॉजिटिव मूव हमको अल्टकॉइंस के अंदर, जो अल्टकॉइंस हमने ऑलरेडी काफी बॉटम पे परचेज करके बैठे काफी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे, उसके अंदर हमको देखने को मिल सकता है। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या राय है नीचे आप कमेंट बॉक्स मेंशन करो, क्या आपको लगता है क्या भाई बिटकॉइन की रैली आएंगी, क्या बिटकॉइन ऐसे ही परफॉर्मेंस देगा, क्या बिटकॉइन क्रैश करेगा, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करो, क्योंकि आपकी राय जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। और बाकी जो अल्टकॉइंस में एंट्री नहीं किए हैं उनके लिए अल्टकॉइंस के ऊपर वीडियो आएगा जैसे ही हमको थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद।